राइट डाउन बेटे द फर्स्ट एमसीक्यू. 1 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, 1 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट विच हैव द मोलर मास गिवन वेट मीन्स सॉल्यूट का इट इज 1 ग्राम. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 50 ग्राम पर मोल. इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. गिवन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज 50 ग्राम. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन मीन्स डेल्टा टी बी इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 1 केल्विन. Find the molar boiling constant of a solvent. So we know that delta TB is equal to KB into molality. And you have to find KB. Your options are, and your 1 minute starts now. Your options are 2, 3, 2.5, 5. 2, 3, 2.55, and you have 1 minute to go. Hurry up. Tenses mein to change karte ho. टू पॉइंट फाइव. यस. नेक्स्ट बेटे वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड एक्स इज 2 एटमोस्फियर. वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड यू आर गिवन विद वेपर प्रेशर. प्योर लिक्विड मीन्स पी नॉट इज गिवन टू यू इट इज 2. At 300 Kelvin, it is lower to 1 atmosphere, means nu Pa is 1 atmosphere. On dissolving 1 gram of Y, ये कब हुआ lower? जब we have dissolved 1 gram of Y, means your solute which you have added is WB, that is 1 gram. In 20 gram of liquid X, you are given with weight of the liquid, that is 20 gram. Now you are given with the molar mass of X. This is X, this is Y. The molar mass of X is 200. You have to find molar mass of Y. The equation you are using it is this one. Number of moles कैसे find out करोगे? गिवन मास ओवर मोलर मास. तो गिवन मास आपको पता है, मोलर मास आपने वाई का निकालना है. आपको एक्स का तो दोनों ही पता है, मोलर मास भी पता है और गिवन मास भी पता है. समझ आ रही है? सॉल्वेंट के तो दोनों पता है, सॉल्यूट का एक चीज पता है, दैट इज गिवन. तो योर ऑप्शंस आर ट्वेंटी, फिफ्टी, हंड्रेड, टू हंड्रेड.
आर 20, 50, 100 एंड 200 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शिवम हैज ऑलरेडी गिवन द आंसर एंड द आंसर इज वेरी मच राइट। नेक्स्ट बेटे, 10% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 10% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। जब हम 10% सॉल्यूशन बोलते हैं, इसका मतलब यूरिया कितना है, वेट ऑफ यूरिया विल बी 10 grams। ठीक है, इज आइसोटोनिक विद 6% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट एक्स। नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट है बेटे, उसके साथ 10% ऑफ यूरिया का सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक है। और कॉन्सेंट्रेशन जो नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो 6% है, मीन्स 6 ग्राम है। हम ये कह सकते हैं दिस इज वेट ऑफ दिस सॉल्यूट। नाउ दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ एक्स, द मोलर मास ऑफ एक्स। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, N1 N2 के इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स N1 और N2 के इक्वल आएंगे। एक के नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो, क्यों, यूरिया का आपको मोलर मास पता होना चाहिए। अगर यूरिया का मोलर मास पता है तो गिवन वेट ओवर मोलर वेट से मोलर वाल इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और अब इसका मोलर मास निकालें एंड योर ऑप्शन आर 6, 60, 36, 32। ठीक है, यू आर गिवन विद नंबर ऑफ मोल, जहां पे मोलर मास यूरिया का रखोगे डिवाइडेड बाय गिवन वेट ऑफ यूरिया। ये हमने निकालना है एक्स का, डिवाइडेड बाय गिवन वेट ऑफ एक्स। तो गिवन कितना है, 6, यहाँ पे कितना है 20, और ये मोलर मास फिल करो और मुझे बताओ कितना फिल कर रहे हो, अरे गिवन वेट, गिवन वेट ओवर एम यहाँ पे फिल करो, ये 10 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पे फिल करो कितना आ रहा है आपका, व्हाट इज मोलर मास ऑफ यूरिया। व्हाट इज मोलर मास ऑफ यूरिया, व्हाट इज यूरिया, यहाँ पे गिवन नहीं है मोलर मास। ये क्या है, ये स्टार्च है, ये होता है यूरिया। ये जब वॉलर ने प्रोसेस किया था तो पहले यूरिया ही तो बना था ऑर्गेनिक में, तभी ब्रेजलिस की थ्योरी फेल हुई थी, वो बना कुछ हो रहा था और यूरिया बन गया था। फर्स्ट रिएक्शन करते ऑर्गेनिक में, फर्स्ट रिएक्शन फर्स्ट पेज पे कितना मोलर मास आएगा देखो, अब तो आपका टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है अगर नहीं पता तो। यस शिवम यू आर एब्सोल्युटली राइट, योर आंसर इज राइट। हाँ निकल गया, उसने निकाल लिया आंसर, और अब देखो अपनी मास ही नहीं पता। जिन्होंने गूगल करना वो ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड करते और अटेंटिव नहीं रहते।
योर आंसर इज 36 और 60 ग्राम है यूरिया का मास। बिना कुछ हो रहा था, रिएक्शन कुछ और कर रहा था, और जैसे ही यूरिया बना आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। बेवकूफ। चलो नेक्स्ट, राइट डाउन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम डिसॉल्व प्रोटीन। तो प्रोटीन का वेट है दैट इज 2 ग्राम पर 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, पर 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है दैट इज 300 सेंटीमीटर क्यूब इज 20 mm ऑफ Hg। दे आर जस्ट गिविंग यू 20 mm ऑफ Hg दैट इज प्रेशर। एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इज गिविंग टू यू इज 27 डिग्री सेल्सियस। नाउ यू विल कन्वर्टिंग इन टू द कैलविन, वो जो मैं पहले ही कर दूँ आपके लिए, ये हमेशा कैलविन में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका 300 आ जाएगा। ठीक है, हम क्या निकालने को कह रहे हैं, फाइंड आउट द मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन। फाइंड आउट द मोलिकुलर मास ऑफ अ प्रोटीन, तो हमें पता है कि पाई बी इज इक्वल टू एन आर टी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास। अब आपको प्रेशर गिवन है, ठीक है, समझ आ रही है, पाई भी गिवन है आपको, बी भी गिवन है आपको, गिवन मास भी गिवन है आपको, मोलर मास निकालना है। पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, सक्षम, व्हाट इज पाई, 22/7। ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं इसमें, 22/7 थोड़ी ना, आज आपके सच्ची बोरे खराब हो चुके हैं। सबको चेंज करना पड़ेगा आपको, 300 सेंटीमीटर क्यूब को पहले तो आर की वैल्यू क्या लोगे, राइट डाउन 0.0821 आर वैल्यू। एंड टू कन्वर्ट mm Hg यू विल डिवाइड, आपने निकालना है ग्राम पर मोल में, यू विल डिवाइड इट बाय 760। ठीक है, और वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब में, अगर हमने लीटर में लेके जाना हो तो इट विल कम टू बी 0.3। अब वैल्यू लो इन सब की, वी हैव टू फाइंड एम, एम विल बी पाई, डब्ल्यू बी ओवर वी इंटू आर टी ओवर पाई। तो डब्ल्यू बी यू आर गिवन विद वैल्यू पुट करो,
अब आप किसके मार्क्स कट चुके हैं क्योंकि आधा कुछ आपको पता ही नहीं इसमें, फिर भी चलो देखते हैं आप कितना टाइम लेते हो आप। हरी अप, योर ऑप्शंस आर, ऑप्शंस आई विल गिव यू, दैट इज 6239.6 ग्राम पर मोल, 1.12315.5, 3692.1 and 7368.4. गिवन मास की जगह पे क्या फिल किया, 2, फिर आर की जगह पे क्या फिल किया, 0.0821, फिर उसके बाद आपने क्या लिखा, मैंने टेम्परेचर, टेम्परेचर की जगह पे हो गया 300, ठीक, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने 0.3 ले लिया, इनटू प्रेशर पाई 200 को अगर 760 से डिवाइड करोगे तो 760 ऊपर चला जाएगा। वेरी राइट, अब नेक्स्ट बेटे हम थोड़े केस सेशन रीजन देख लें, ठीक है, और कल हम केस बेस्ड स्टडीज देखेंगे। अब ये हमने फिर नवंबर अक्टूबर में फिर यही क्वेश्चंस किया करेंगे क्योंकि हमारे पास 1 मंथ होगा एग्जाम से पहले, ठीक है। लिसन टू मी केयरफुली, असर्शन, अमलगम ऑफ मर्करी, अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, अमलगम ऑफ मर्करी, कल भी गया हमने ऐसा क्वेश्चन, अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। हाँ, इसमें मरकरी बीच में डाला जाता है और सॉलिड आपका सोडियम है इसमें, तो सॉल्वेंट आपका सोडियम है, सॉल्यूट आपका मरकरी है। असर्शन बिल्कुल राइट है। अब रीजन बोल रहे हैं, मरकरी सॉल्वेंट एंड सोडियम इज अ सॉल्यूट, नेक्स्ट assertion, pressure doesn't have any effect on solubility of solid in liquids, pressure doesn't have any effect on solubility of solid in liquids, yes बिल्कुल सही है हमारा ये। रीजन दे आर गिविंग अस, रीजन है बेटे, सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकंप्रेसिबल, लिक्विड का कंप्रेसिबल होते हैं, मैं बॉटल में पानी है मैं कंप्रेस कर सकती हूँ, मतलब इनकंप्रेसिबल ही बोलेंगे बेटे, इनको इतना कंप्रेस तो नहीं कर सकते हम, तो बिल्कुल सही है इनका रीजन, सेशन भी सही है कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिड में। आप सॉलिड को डिजोल्व, अगर नमक को मैंने पानी में घोलना है, प्रेशर क्या कर लेगा इसमें,
अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में घोलनी है तब तो प्रेशर कुछ करेगा, अगर नमक को मैंने पानी में घोलना है तब क्या कर लेगा, तब उसका इतना सिग्निफिकेंट थोड़ी ना है। नेक्स्ट, व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। सोचो, व्हेन मिथाइल अल्कोहल, हमने मिथाइल अल्कोहल डाल दिया वाटर में, ये कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज करेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज तब करता है जब पॉजिटिव डेविएशन होती है, जब पहले के बॉन्ड टूटते हैं, मतलब जो नई इंट्रैक्शन है वो वीक है एज कम्पेयर टू पहले वाले इंट्रैक्शन से। क्या मिथाइल अल्कोहल और वाटर की इतनी बॉन्डिंग है कि कम है, कि पहले के बॉन्ड टूट जाते हैं? ये बेटे पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं इसका, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। सेशन बिल्कुल सही है, रीजन दे रहे हैं, व्हेन द वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वॉलेटाइल सॉल्वेंट देयर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियस है दोनों वॉलेटाइल है, दोनों उठ जाएंगे, पर ये assertion और reason को दोनों को correct बोल रहे हैं। अगर हमारी negative deviation हो जाए तब कहाँ correct है? This is the question है, तो मुझे इनका answer appropriate नहीं लग रहा। reason भी जरूरी नहीं है, अगर आपका volatile solute है, अगर आपने add किया है तो उसका boiling point हमेशा elevate होगा। मिनिमम बॉइलिंग एजिटोप भी बनते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोप भी बनते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कम भी होता है क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो सकता है। अगर ए बी की इंट्रैक्शन बढ़ जाए ए ए और बी बी से तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ये नहीं? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाना चाहिए, वो वॉलेटाइल है। तो हमारे हिसाब से रीजन ए इज ट्रू, रीजन फॉल्स होना चाहिए, बट दे आर राइटिंग ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, वाइट दे आर राइटिंग रॉन्ग। ठीक है, आगे सुनो, द सॉल्यूशन विच हैव लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। The solution which have having large positive deviation, they form maximum boiling azeotrope, minimum. आपको अब temperature कम देना पड़ेगा boil करने के लिए, क्योंकि अगर आपकी positive deviation आ गई तो bond cleave हो गए। अगर bond cleave हो गए अब तो ये कम temperature पे boil कर जाएंगे, अब हमें इनको ज्यादा temperature पे boil करवाना ही नहीं पड़ेगा। तो इनके assertion बिल्कुल रॉन्ग है। What the point? Next, reason देखो क्या दे रहे हैं हमें, reason देखें। 95% aqueous solution of ethanol is maximum boiling azeotrope. ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, ये क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नहीं है क्योंकि इंट्रैक्शन वीक है नई वाली, पुरानी वाली से इंट्रैक्शन वीक है, पुराने वाले बाउंड्री टूट गए हैं तो आराम से आजादी से उड़ रहे हैं वो। अब हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। In an ideal solution, delta mixing is zero. In an ideal solution, delta mixing is zero. बिल्कुल सही है, आइडियल सोल्यूशन वही है
जिसमें अगर मैंने 100 ml में 100 ml डाला तो वो 200 ml ही बने। वॉल्यूम में चेंज ना हो, ना इंथैल्पी में चेंज हो, ना वॉल्यूम में चेंज हो, किसी में भी ना चेंज हो। अगर बॉन्डिंग बनेगी तो वॉल्यूम कम होगा, अगर बॉन्डिंग टूटेगी तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। मगर आइडियल वो है ना बॉन्डिंग बने और ना बॉन्डिंग टूटे, सो दैट इज डेल्टा मिक्सिंग विल बी जीरो। रीजन दे आर गिविंग टू अस, एन आइडियल सॉल्यूशन ए बी इंटरेक्शन आर लोअर देन ए ए एंड बी बी। कोई रीजन नहीं बनता, सेम ही इंटरेक्शन होनी चाहिए थी, ना लोअर ना ज्यादा, तभी आइडियल होता। समझ आ गई? असर्शन, एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन वार्म वाटर देन कोल्ड वाटर। हाँ, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा डिजॉल्व रहती है। वार्म वाटर में तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, उनको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। शिवम क्या कहना चाह रहे हैं? यस शिवम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, आपने जो अभी वो इथेनॉल वाला माइक्रो क्वेश्चन कराया था, हाँ जी, जब इथेनॉल वाटर में डिसॉल्व होता है तो नेगेटिव डिविएशन शो करता है, तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ियोट्रॉपी होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाता है। 95% ऑफ एक्वो सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल बॉन्डिंग का बेटे, अगर मैक्सिमम है तो बॉन्डिंग होनी चाहिए, उनमें इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इथेनॉल, इथेनॉल वाटर में ज्यादा बॉन्डिंग करता है। अच्छा ठीक है, ठीक नहीं बेटे, ओके मैम, ठीक है, वो तो पुराने बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं उसमें, नए बॉन्ड इतने एस्टैब्लिश नहीं होते। हाँ, डिजोल्व जरूर करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है इथेनॉल की वाटर में, पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। हम कौन से क्वेश्चन पे थे अब? हमारा था इक्वेटिक। अच्छा, रीजन दे आर गिविंग अस, केएच वैल्यू फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दे डिक्रीजेस केएच वैल्यू ऑफ बोथ N2 एंड O2 डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको पता है KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नो, कि जितना KH की वैल्यू ज्यादा होती है ना, उतनी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ये आप याद रखना। हेनरी कांस्टेंट की जितनी वैल्यू ज्यादा होती है उतनी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो KH की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, तो ये लिख रहे हैं हमें KH वैल्यू डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो गलत लिख रहे हैं हमारे लिए। KH की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ती है, तभी हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि KH की वैल्यू भी बढ़ती है। तो ये दोनों ही गलत है, असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। ओके, नेक्स्ट, 1 molar KCl हैज ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर देन 1 molar सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट सेम टेम्परेचर। वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl हैज ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर देन 1 molar सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट सेम टेम्परेचर। What is osmotic pressure or colligative property? Now a colligative property depend upon, what is a colligative property?
The colligative property are properties that depend upon number of moles, not the nature of the solute. तो जितने number of moles बढ़ते जाएंगे उतनी colligative property की value बढ़ती जाएगी. अब ये assertion में लिख रहे हैं कि वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl हैज ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब ये कह रहे हैं कि वन मोलर KCl का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज से ज्यादा होता है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. पता है क्यों? क्योंकि KCl आयोनाइज कर जाता है. जब KCl को वाटर में डालोगे तो आपको 2 moles मिलेंगे. ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पे नहीं डिपेंड करती. ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर पे. तो कि अगर एक आप ग्लूकोज का मान लो टुकड़ा डालते हो, एक मॉलिक्यूल, तो वो एक मॉलिक्यूल ही रहेगा. नंबर ऑफ मोल्स वन नहीं रहेंगे. अगर मैं एक मॉलिक्यूल KCl का डालूंगी तो वो 2 moles बन जाएंगे. मतलब एक K पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव. तो जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा उतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा. तो रीजन दे रहे हैं, रीजन भी वही दे रहे हैं. इन सॉल्यूशन KCl डिसोसिएट टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मीन्स दे आर गिविंग अस करेक्ट रीजन. मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर. मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर करती है. Assertion सही है. रीजन सुन लो. मोलैरिटी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. मोलैरिटी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. डू यू थिंक? हमने 4 पढ़ी हैं. वी हैव रेड 4 ना. विच 4? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. अब क्या आपको मोलैरिटी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लग रही है? यस शिवा, डू यू थिंक दैट मोलैरिटी इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? इसमें भी तो नंबर ऑफ मोल्स हैं. It also consists of number of moles. We can say that is a colligative property. अगर आप number of moles को change करोगे तो molarity की value change हो जाती है. तो number of moles of solute ही है, कह सकते हैं ऐसे इसको. चलो, next is osmotic. Osmosis doesn't take place into isotonic solution separated by semi-permeable membrane. ये तो 10th standard की science है. क्यों isotonic में हो सकता है? ये बेटे bio of 10th class है. What is isotonic solution? Bio weak थी, chemistry भी weak थी, bio भी weak थी, math भी weak था, हर कुछ weak थी. नहीं, आपसे पूछा जा रहा है ऑस्मोसिस डजंट टेक प्लेस इनटू आइसोटोनिक. आइसोटोनिक का मतलब कि जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है उसमें ऑस्मोसिस कहां से हो जाएगी भाई? जब डिफरेंस होगा तभी ऑस्मोसिस होगी. तो शासन बिल्कुल सही है आपकी. रीजन दे आर गिविंग, आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. बिल्कुल सही है. आइसोटोनिक सोल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है. अब इस कल भी हम यही चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे. परसों पी ब्लॉक शुरू हो गए, पढ़ना शुरू कर दो.